हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? यू आर मोस्ट वेलकम टू 12th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने कॉपर की मेटलर्जी को स्टडी किया था और कॉपर की मेटलर्जी में आपने देखा था बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन जो प्रोसेस थी उसमें आपको हमने एक बेसेमर कन्वर्टर के बारे में एक्सप्लेन किया था। बेसेमर कन्वर्टर का फिगर भी आपको बनाया था। तो बेसेमर कन्वर्टर जो होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर कॉपर, जो रोस्टेड कॉपर को आपने, यानी कि कॉपर मैट को डाला है ना उसके अंदर, और कॉपर मैट जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? Cu2S प्लस Cu2O, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, कॉपर मैट को हमने उस बेसेमर कन्वर्टर के अंदर डाला है। अब ये बेसेमर कन्वर्टर जो होता है, इसके अंदर इस कॉपर मैट का सेल्फ रिडक्शन होता है। क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन होता है। सेल्फ रिडक्शन से यहाँ पर आपको कॉपर मेटल ऑब्टेन होती है। स्टूडेंट्स, ये बेसेमर कन्वर्टर जो होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये स्टील से बनी होती है। ये कन्वर्टर जो होता है स्टील मेड होता है, और इसके जो इनर साइड है, इन साइड है, उसमें लाइंड होती हैं किसकी? SiO2 और MgO, एसिडिक SiO2 और बेसिक MgO, इसकी लेयर लगी होती है इसके अंदर की साइड पे। जो SiO2 और MgO होते हैं, ये किसका काम करते हैं? फ्लक्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? फ्लक्स का, ठीक है ना। तो कन्वर्टर के अंदर जो आपने ये कन्वर्टर बनाया था इस तरह का, इस कन्वर्टर में अंदर की जो ये लाइन है, ये किसकी थी? ये SiO2 की हो सकती हैं या MgO की हो सकती हैं। ये तो एसिडिक नेचर में होता है और ये बेसिक नेचर में होता है, ठीक है ना। अब ये किसका काम करते हैं? SiO2 और बेस, ये MgO, ये दोनों फ्लक्स का काम करते हैं, ठीक है ना, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। ये जब फ्लक्स का काम करते हैं तो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है कि आपने जैसे ही कॉपर मेट को इसको ऊपर से डाला, ठीक है ना, तो यहां पर इसमें क्या लगा था आपने? एयर को पास करने के लिए एक पाइप लगाया था, और उससे एयर, हॉट एयर इसके अंदर आप ब्लो करते हो, ठीक है ना। तो इस हॉट एयर से जो कॉपर मैट होता है, ये जो मैट होता है, ये क्या होता है? मेल्ट होता है, और मेल्ट होकर जो मेटल होती है आपके पास, वो मेटल इसके बिलो साइड में आ जाती है, यानी कि बॉटम में आ जाती है कन्वर्टर के। कन्वर्टर के कहाँ पहुँच जाती है? बॉटम में, ठीक है ना। और ये जो कन्वर्टर होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लेसड होता है, और आप इजी वे में इसको टिल्टिल्ड कर सकते हो। टिल्टिल्ड, टिल्टिल्ड का मतलब क्या होता है कि आप इन फ्रंट साइड में या बैक साइड में इसको मोड़ कर खला सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस लगे हुए थे ना इस तरह से, और इन एक्सिस से इसको ऐसे उड़ेल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये बेसेमर कन्वर्टर था। इस बेसेमर कन्वर्टर के अंदर हमने इस तरह से प्रोसेस की थी। तो देखो, बेसेमर कन्वर्टर को मैंने कल नोट नहीं किया था, आज आपको लिए नोट कर रहा हूँ। और इससे जो आपको कॉपर ऑब्टेन होगी, उसके अंदर कुछ अमाउंट में क्या मिक्स होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तो जैसे इसको उड़ेल देते हैं सांचों के अंदर, जैसे यहाँ पर कॉपर मैट फिल हो गया, तो इसके अंदर से ना जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलती है। जैसे जैसे कॉपर ये कूल होता जाता है, ठंडा होता जाता है, तो इसकी जो सरफेस होती है कॉपर मेटल की, इस सरफेस पर क्या बन जाते हैं? ब्लिस्टर्ड। क्या बन जाते हैं? ब्लिस्टर बन जाते हैं, इसलिए इसको ब्लिस्टर्ड कॉपर भी कह सकते हैं। क्लियर है ना। तो यही प्रोसेस करनी थी हमको। चलो स्टार्ट करते हैं, बेसेमर कन्वर्टर को नोट करना, ठीक है ना, और इसके अंदर देखते हैं चेक करके कौन कौन सी रिएक्शंस हैपेंड होती हैं। तो प्रोसेस को क्या बोला था हमने? बेसेमराइजेशन, ठीक है ना। बेसेमराइजेशन की आपने हेडिंग डाल रखी है, उसके नीचे आपने फिगर को ड्रॉ कर ही दिया है, तो वहीं पर फिगर के नीचे लिखना स्टार्ट करना है इसको। मैं एक बार हेडिंग डाल देता हूँ, बेसेमराइजेशन। इस बेसेमर कन्वर्टर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल्फ प्रोडक्शन होता है। किसका? कॉपर मेट का। हियर सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड
एंड कॉपर सल्फाइड अकर्स, एंड कॉपर सल्फाइड अकर्स, ठीक है ना। अब देखो ये जो कन्वर्ट, ये प्रोसेस जो होती है ये कहां पर की जाती है, बेसेमर कन्वर्टर में। इट इज डन इन बेसेमर कन्वर्टर। इसको कहां करते हो आप लोग, इस प्रोसेस को, बेसेमर कन्वर्टर में। समझ में आ रही है ना बात। तो कन्वर्टर का नाम भी हमको ध्यान में रखना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, कन्वर्टर कैसा होता है, कन्वर्टर कैसा होता है। इट इज ए पियर शेप्ड फर्नेस, इट इज ए पियर शेप्ड फर्नेस मेड अप ऑफ स्टील। पियर शेप्ड होता है, पियर मींस क्या होता है, नाशपाती, ठीक है ना, जो किसका बना होता है, स्टील का। एंड लाइंड फ्रॉम इनसाइड, एंड लाइंड फ्रॉम इनसाइड, और भीतर की जो सरफेस होती है, सतह होती है, भीतर की जो अंदर वाली जो इनसाइड की जो लाइन है वो किसकी बनी होती है, विद विद एसिडिक SiO2 और बेसिक MgO, दोनों में से किसी की बनी हो सकती है, ठीक है ना। और ये SiO2 और MgO किसकी तरह काम करता है, यहाँ पर बताओ, फ्लक्स की तरह। दे एक्ट एज फ्लक्स, दे कौन, SiO2 और MgO, दे एक्ट एज फ्लक्स। ये दोनों जिसका भी आप यूज कर रहे हो वो फ्लक्स की तरह काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए, ए ब्लास्ट ऑफ एयर इच ब्लो, ए ब्लास्ट ऑफ एयर इज ब्लोन, ठीक है ना, ए ब्लास्ट ऑफ एयर इज ब्लोन फ्रॉम लेयर्स बाय विच, फ्रॉम लेयर्स बाय विच मोल्टन मेटल। भाई गर्म हवा जब इसके अंदर आप ब्लो करोगे तो मेटल जो है वो कौन सी स्टेट में जाएगी, मोल्टन, मोल्टन स्टेट में, है ना। और मोल्टन स्टेट में आकर वो कहां पर कलेक्ट हो जाएगी, मोल्टन मेटल एंड कलेक्टेड बिलो, बिलो लिख दो चाहे बॉटम लिख दो, कलेक्टेड बिलो, ठीक है। बिलो का मतलब जो उसका कन्वर्टर का जो बिलो पार्ट था ना वहां पर। तो द कन्वर्टर इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, जो कन्वर्टर होता है वो किस पर रखा होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, विच कैन बी टिल्टेड इन फ्रंट, विच कैन बी टिल्टेड इन फ्रंट और बैक साइड, मतलब जिसको आगे पीछे कहीं भी आप उसको क्या कर सकते हो, टिल्टेड मींस उसको खला सकते हैं, ठीक है ना। व्हेन रोस्टेड और रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, रोस्टेड और लिख दो चाहे कॉपर मेट लिख दो, रोस्टेड ओर और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं कॉपर मेट, रिएक्ट विद
ऑक्सीजन ऑफ एयर। ये जो कॉपर मेट है जो आपने एयर इसके अंदर ब्लो की है, उस एयर के अंदर जो भी ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना, उसके साथ रिएक्ट करता है। और इसके अंदर क्या है, सिलिका का लेयर लगा हुआ है एंड सिलिका फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन कन्वर्टर। कन्वर्टर के अंदर क्या रिएक्शन होती है तो इसकी रिएक्शन को भी चेक करना है हमें, ठीक है ना। तो देखो FeS प्लस O2 इक्वल टू FeO प्लस SO2। यहाँ पर कुछ अमाउंट में आयरन सल्फाइड जो प्रेजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन हो गया और सॉरी रिडक्शन हो गया और रिडक्स रिड्यूस होकर इसके अंदर से SO2 गैस तो रिलीज हो गई, ठीक है ना, और आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। इसको बैलेंस करो, यहाँ टू लगा देते हैं तो यहाँ भी टू लगाना पड़ेगा और यहाँ भी टू लगाना पड़ेगा और ऑक्सीजन के लिए यहाँ थ्री लगाना पड़ेगा। अब ये रिलीज हो गई SO2 गैस और अब ये आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा स्टूडेंट्स किसके साथ, सिलिका के साथ, ठीक है ना, और सिलिका के साथ रिएक्ट करके FeSiO3 क्या फॉर्म कर देगा, स्लैग, ठीक है, और ये स्लैग भी उसके अंदर से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अब बचा कौन, तो देखो कॉपर सल्फाइड ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। भाई कॉपर मेट में कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड दोनों है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर के ऑक्साइड में और यहाँ से रिलीज हो जाएगी SO2 गैस। बैलेंस करके बैलेंस चेक कर ले, ऑक्सीजन यहाँ टू लगा देते हैं, यहाँ टू लगा देते हैं तो यहाँ भी टू लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन आपके पास सिक्स हैं तो यहाँ पर थ्री लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स कॉपर सल्फाइड का कुछ पार्ट तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, टोटली कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट कन्वर्ट हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या क्या होता है कि ये कॉपर सल्फाइड का कुछ पार्ट तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और रिएक्शन होती है यहाँ पर, ये जो कॉपर सल्फाइड है ये कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर आपको मेटल ऑब्टेन हो जाती है और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी इसके अंदर मोल्टन मेटल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो बैलेंस करके चेक करो, सल्फर ये टू है ऑक्सीजन, ठीक है ना, और ये हो गया सिक्स, ये आपके पास आ गई मोल्टन मेटल, ठीक है। अब ये मोल्टन मेटल जो है स्टूडेंट्स ये अब कहाँ पर प्रेजेंट है बताओ, ये जो आपका कन्वर्टर है उस कन्वर्टर का जो बिलो पार्ट है यानी कि बॉटम वाला पार्ट वहां पर ये कलेक्ट हो चुकी है। क्लियर है, समझ में आ रही है कि ना आ रही बात। भाई रिएक्शंस में आप लोग थोड़ा सा ध्यान कीजिए, आयरन सल्फाइड थोड़ा बहुत अमाउंट में इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। फिर ये आयरन ऑक्साइड जो होता है इसके अंदर ऑलरेडी सिलिका की लेयर लगी है, कन्वर्टर के अंदर लगी है ना, तो उस सिलिका की लेयर के साथ आयरन ऑक्साइड, क्योंकि आयरन SiO2 जो है वो एज ए फ्लक्स की तरह तो काम कर रहा है और तो ये फ्लक्स के साथ ये रिएक्ट करके यहाँ पर क्या फॉर्म कर देगा, स्लैग फॉर्म कर देगा, ये स्लैग भी रिमूव हो जाएगा। स्लैग लाइट इन वेट होता है ये पता ही है आपको, और लाइट इन वेट होता है तो इसको उस कन्वर्टर को थोड़ा सा टिल करके और इसको रिमूव कर देते हैं, क्लियर है ना।
इसके बाद आपके पास जो कॉपर मैट था उस कॉपर मैट में कॉपर सल्फाइड था और कॉपर ऑक्साइड था। तो कॉपर सल्फाइड का कुछ पार्ट, ठीक है ना, कुछ इसका फ्रिक्शन पार्ट, कुछ पार्ट तो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड में, और यहाँ पर जो एसिड टू गैस होती है वो रिलीज हो जाती है। अब ये कॉपर सल्फाइड का यानी कि 100% में मान लें 30% कन्वर्ट हो गया, तो 70% तो अभी रिमेन्स है ना। तो ये कॉपर सल्फाइड अब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और इनका रिडक्शन हो जाता है, ऑटोमेटिकली तो हो रहा है रिडक्शन, ये इसलिए तो बोला था ना मैंने फर्स्ट में सेल्फ रिडक्शन होता है, ये ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो रहा है सेल्फ, यहाँ पर आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हो रिडक्शन के लिए। यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन होता है, रिडक्शन के बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और मोल्टन स्टेट में आपको मेटल ऑब्टेन हो जाता है, और मोल्टन स्टेट में ये जो मेटल होती है ये कन्वर्टर के जो बॉटम वाला पार्ट है, बिलो पार्ट जिसको बोला है हमने, वहाँ पर कलेक्ट हो गई। अब इसके मोल्टन मेटल के अंदर कुछ अमाउंट में SO2 गैस अब भी सॉल्यूबल है, मोल्टन मेटल में कुछ अमाउंट में SO2 गैस अब भी सॉल्यूबल है, कुछ तो निकल गई लेकिन कुछ अमाउंट में अब भी सॉल्यूबल है। तो स्टूडेंट्स अब इस मोल्टन मेटल को आप क्या करोगे, कन्वर्टर को टिल्टिल करोगे, झुकाओगे, झुकाने के बाद इसे जैसे हम खेत में क्यारियां बनाते हैं ना ऐसे, इसी ठीक इसी प्रकार से इसको रेत के सांचों के अंदर जो सैंड होती है उसके कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं और उनमें इसको टिल्टिल कर दिया जाता है, उडेल दिया जाता है। अब वहाँ पर ये कॉपर मेटल जो होती है क्या होती है स्टूडेंट्स, ये होगी क्या, कूल होगी, ठंडी होगी। तो जैसे जैसे कॉपर मेटल जो मोल्टन स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगी तो इसके अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज होने लगेगी, वो रिलीज होने लगेगी तो वो बबल्स के रूप में बाहर आएगी। तो बबल्स के रूप में जब ये रिलीज होगी, रिमूव होगी, तो कॉपर मेटल की जो ऊपर की सरफेस है, अपर सरफेस है, उस अपर सरफेस पर इन SO2 के बबल्स के कारण वहाँ पर कुछ ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो आपको ये कॉपर ऑब्टेन हुआ है उसी को क्या बोल सकते हो आप, ब्लिस्टर्ड कॉपर बोल सकते हो, बोल सकते हैं ना। तो इस तरह से हमने कॉपर को ब्लिस्टर्ड कॉपर बोला था और ऑब्टेन किया था, ठीक है ना। तो अब आप वीडियो को तो पॉज करो और ये रिएक्शन सहित इस कन्वर्टर की इस चीज़ को नोट करो। तो कन्वर्टर में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आपको सिर्फ मेन मेन चीज़ ध्यान रखनी है। सेल्फ प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है किसके अंदर, बेसेमर पर कन्वर्टर के अंदर। बेसेमर कन्वर्टर जो होता है वो वीन शेप्ड का होता है इसकी, और ये किससे बना होता है, स्टील से बना होता है, और इसके इनसाइड जो लेयर्स होती हैं, इनसाइड जो लाइन्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, एसिडिक SiO2 और बेसिक MgO2। ये डिपेंड करता है कि कॉपर के अंदर किस प्रकार की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इस पर समझ आ गई बात। क्योंकि फ्लक्स टू टाइप्स के होते हैं, फ्लक्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। तो अगर बेसिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो एसिडिक फ्लक्स यूज कर रहे हो उस जगह पर आप, और एसिडिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे, और बेसिक इम्प्योरिटीज हैं तो एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे। क्लियर है नहीं बात। अब यहाँ पर आयरन जो ऑक्साइड है ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जो होता है स्टूडेंट्स उसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक होती है, इसलिए यहाँ पर एसिडिक फ्लक्स का यूज किया गया है। एसिडिक फ्लक्स कौन है, सिलिका, SiO2 सिलिका ही तो है, और ये सिलिका जो फ्लक्स की तरह यूज किया गया है ये आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्म कर देगा, आयरन सिलिकेट का, और आयरन सिलिकेट क्या होता है, स्लैग होता है, स्लैग जो होते हैं लाइट इन वेट होते हैं, इसलिए इनको बेसेमर कन्वर्टर को टिल्टिल करके इजी वे में हम इनको रिमूव कर सकते हैं मेटल की सरफेस के ऊपर से, ठीक है ना। अब ये जो कन्वर्टर होता है स्टूडेंट्स एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो लेंटर डालने वाले जो होते हैं उनके पास जो मिक्सचर होता है जिसमें कंक्रीट सीमेंट बजरी वगैरह सब कुछ डालकर उसको मिक्स करके फिर सरियों के बीच में छत पर डाला जाता है, तो ठीक उसी प्रकार का कन्वर्टर है ये। इसमें अब उसको ना झुका सकते हैं ना आगे पीछे, तो ठीक इसी प्रकार से इस कन्वर्टर को भी आगे पीछे हम झुका सकते हैं एक्सिस पर, ठीक है ना। इसके अंदर एक सिस्टम लगा होता है जिसके थ्रू आप हॉट एयर को इसके अंदर ब्लो कर सकते हो, इसमें पाइप फिट होता है और पाइप के थ्रू आप हॉट एयर को इसके अंदर फिट करते हो, और वो हॉट एयर की रीजन क्या होता है, हॉट एयर से,
हॉट एयर जब जैसे इसके अंदर जाती है तो जो भी कॉपरमेट आपने इसके अंदर फिल किया है वो कॉपरमेट कन्वर्ट हो जाता है, मेटल को कन्वर्ट कर देता है मोल्टन स्टेट में। हॉट एयर की वजह से होता है, जो कॉपरमेट मेल्ट हो रहा है ना, तो किसकी वजह से हो रहा है? हॉट एयर की वजह से। अब हॉट एयर से वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? मोल्टन मेटल में। और मेटल जब मोल्टन स्टेट में आ जाती है तो वो कन्वर्टर के बॉटम में जाकर कलेक्ट हो जाती है, ठीक है ना, और बॉटम में से आप इसको बाहर निकाल सकते हो। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट कर सकते हैं, करिए नोट। तो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। अब देखो मोल्टन मेटल में क्या सॉल्यूबल है? SO2 गैस, ठीक है ना। तो नोट करना पड़ेगा बच्चों हमको यहाँ पर, ये SO2 इज सॉल्यूबल इन मोल्टन कॉपर मेटल, SO2 इज सॉल्यूबल इन मोल्टन कॉपर मेटल, ठीक है ना। मोल्टन कॉपर मेटल के अंदर SO2 सॉल्यूबल है, विच इज पावर्ड ऑफ इनटू मोल्ड्स, विच इज पावर्ड, विच इज पावर्ड ऑफ इनटू मोल्ड्स, हाँ। तो भाई देखते हैं, जैसे ही ये ठंडी होती है, एज इट कूल्स, एज इट कूल्स, ये क्या करेगी? इट गिव्स अप, इट गिव्स अप सल्फर डाइऑक्साइड, इस इट गिव्स अप सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन इट, SO2 लिख देता हूं, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर SO2 डिजॉल्व्ड इन इट। जैसे ही ये ठंडा होता है तो इसके अंदर से जो SO2 डिजॉल्व्ड है वो क्या होती है? गिव अप, यानी कि बाहर निकलती है, ठीक है ना, गिव अप। सल्फर डाइऑक्साइड इन इट, डिजॉल्व्ड इन इट, ठीक है ना। तो देखो विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ये बबल्स की फॉर्म में यहां से बाहर निकलती है, कौन? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब बबल्स की फॉर्म में निकलेगी तो क्या कर देगी ये बताओ? दस गिविंग द शेप ऑफ ब्लिस्टर्स, दस गिविंग द शेप ऑफ ब्लिस्टर्स, तो ब्लिस्टर्स मतलब फफोले से हो जाएंगे, किस पर? टू द सरफेस ऑफ कॉपर, टू द सरफेस ऑफ कॉपर, कॉपर की सरफेस पर क्या हो जाएंगे? फफोले हो जाएंगे, ठीक है ना। देयरफोर विच इज, देयरफोर नॉन एज ब्लिस्टर्ड कॉपर, इसलिए इसको आप क्या बोल सकते हो? ब्लिस्टर्ड कॉपर, ठीक है। तो ब्लिस्टर्ड कॉपर आपको कैसे ऑब्टेन हुआ? ये पूरी प्रोसेस जो होती है बेसेमर कन्वर्टर के अंदर होती है, समझ आ गई बात, ठीक है ना। आराम से चेक कर लो बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत या परेशानी जो हो रही है वो किस में हो रही है? रिएक्शंस में हो रही है क्या? हैं, रिएक्शंस को दोबारा लेता हूँ मैं, है ना।
आपका प्रोसेस तो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। चलो रिएक्शंस को दोबारा ले लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आयरन सल्फाइड होता है उसमें थोड़ा बहुत जो अमाउंट प्रेजेंट है, ये आयरन सल्फाइड जो आपने हॉट एयर इसके अंदर पास की है, उस हॉट एयर की जो ऑक्सीजन गैस है, उस ऑक्सीजन गैस से ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, सिलिका के साथ, फ्लक्स के साथ। भाई सिलिका एज ए फ्लक्स की फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है कन्वर्टर में, क्योंकि इनर साइड की जो लाइन है वो SiO2 की ही है। अब ये रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट फॉर्म कर देगा और इसको बोलते हो आप स्लैग। स्लैग के बारे में आप जानते ही हो, लाइट इन वेट होता है, मेटल की जो सरफेस होती है उस पर फ्लोट करता है और आराम से आप उसे टाइम टू टाइम वहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद आयरन की इम्प्योरिटीज़ तो इसके अंदर से रिमूव हो चुकी है, ये तो बात क्लियर हो गई ना, आयरन तो 100% इसके अंदर से रिमूव हो चुका है अब कॉपर मेट के अंदर से। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो कॉपर मेट में कॉपर सल्फाइड था, ये कॉपर सल्फाइड अगेन रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से फिर से रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो कॉपर सल्फाइड है ये 100% कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर तो कुछ अमाउंट में कन्वर्ट हुआ है, तो कुछ अमाउंट में, क्योंकि वही मिक्सचर, ये सब का सब मिक्सचर एक ही जगह तो प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा मिक्सचर एक ही जगह तो प्रेजेंट है, यहाँ से स्लैग को आपने आउट कर दिया। अब आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो कन्वर्टर है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। अब जैसे ही कॉपर सल्फाइड ने कॉपर ऑक्साइड को फॉर्मेशन किया तो तुरंत कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, कॉपर सल्फाइड के साथ, और कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बना देगा, कॉपर प्लस SO2 गैस, ठीक है ना। ये कॉपर जो होगा ये मोल्टन स्टेट में, मेटल मोल्टन स्टेट में ये जो मेटल है ये आपको ऑब्टेन होगी कहाँ पर, कन्वर्टर के बॉटम में, और इसके अंदर कुछ अमाउंट में सोल्यूबल कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर डिजॉल्व है। अब जैसे ही कन्वर्टर को आप टिल्टिल करोगे, यानी कि उसको झुकाओगे, झुकाने के बाद उसको रेत के सांचों में उड़ेल दोगे तो कॉपर मेटल आ गया। तो आइए जैसे जैसे कॉपर ठंडा होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें से रिलीज होने लगेगी, और रिलीज होने लगेगी बबल्स की फॉर्म में, तो मेटल की जो सरफेस है उस पर ब्लिस्टर्ड फॉर्म हो जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो कॉपर मेटल ऑब्टेन हुई है उसको क्या बोलेंगे, ब्लिस्टर्ड कॉपर, ठीक है ना। तो ये बस नॉर्मल सी रिएक्शन है, कोई ज़्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है, इनसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये बेसमर कन्वर्टर है स्टूडेंट्स, तो कॉपर की मेटलर्जी है वो कंप्लीट हो गई, आपने कॉपर को ऑब्टेन कर लिया ना। तो क्या स्टेप्स यूज़ किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिया था, कॉपर का ओर लिया था, और कॉपर का मेन ओर क्या था, कॉपर पायराटिस CuFeS2, अदर ओर्स भी थे इसके, कॉपर ग्लांस भी था और भी था, तो आपने ओर को लिया, ओर को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, क्रशिंग और ग्राइंडिंग किया, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया, किसकी सहायता से, जॉ क्रशर और स्टैम्प मिल की सहायता से। अब यहाँ पर आपको जो मेटल थी वो पाउडर्ड फॉर्म में ऑब्टेन हो गई, इसके बाद आपने कंसंट्रेशन किया, मेथड का नेम कंसंट्रेशन सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, उससे कंसंट्रेशन कर लिया। कंसंट्रेशन करने के बाद सल्फाइड हो रहा है इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग की प्रोसेस, ठीक है ना। रोस्टिंग ब्लास्ट फर्नेंस में करोगे ना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ब्लास्ट फर्नेंस में करते हैं, तो आपको अब मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए ब्लास्ट फर्नेंस सॉरी रिवर्बरेटरी फर्नेंस के अंदर रोस्टिंग की प्रोसेस करनी है। रोस्टिंग की प्रोसेस कहाँ करनी है, रिवर्बरेटरी फर्नेंस के अंदर, ठीक है ना। अब ये ऑक्साइड ओर में आ गया, ठीक है ना, ऑक्साइड ओर में आ गया, तो अब इसका जो रिवर्बरेटरी फर्नेंस है वहाँ से आपको जो लास्ट में प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ था उसको बोला था हमने कॉपर मेट, और कॉपर मेट जो होता है स्टूडेंट्स वो मिक्सचर होता है कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड का,
मेन चीज आपके पास क्या आ गई, कॉपर मैट। कॉपर मैट को लेकर आपको कहाँ जाना है, स्मेल्टिंग प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोसेस में। अब नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे तो उसके लिए यहाँ कॉपर का क्या करेंगे, बेसेमराइजेशन करेंगे। बेसेमराइजेशन के लिए आप लोग किस फर्नेस का यूज़ करोगे, बेसेमर कन्वर्टर का। और बेसेमर कन्वर्टर के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ से आपको प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगी, जिसको ब्लिस्टर्ड कॉपर बोलते हैं। ठीक है, ये कॉपर की मेटलर्जी कंप्लीट हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और कोई मेटल है तो उसकी मेटलर्जी आपको एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन ओके, गुड बाय। ओके।